नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी पूर्व महापौर कटनी शशांक श्रीवास्तव साफ तौर से मानते हैं रीवा में भाजपा को बेहतर प्यार मिला है, जिसकी वजह से प्रदेश में हमारी सरकार है। निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में विंध पिछले बार के मुकाबले और ज्यादा प्यार देगा। हमारी टीम ने शशांक श्रीवास्तव से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं इस समय वृंदावन गार्डन में मौजूद हूँ रीवा के। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। खास तौर से कटनी से आए हमारे पूर्व महापौर मौजूद हैं। आज बात इनसे लेकर, रीवा में किस तरीके का माहौल है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का माहौल पूरे देश में मोदी जी के आने के बाद से और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सब जगह स्वीकारता भारतीय जनता पार्टी की है। और रीवा में संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि रीवा हमारा संभाग केंद्र है, तो यहाँ पर सारी गतिविधियाँ होती हैं। और आज यहाँ पर इसी तारतम्य में नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें लगभग 100 जनप्रतिनिधि माने रीवा जिले की जितनी नगर पंचायत हैं, जितने नगर निगम के पार्षद हैं, सभी का प्रशिक्षण यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि प्रशिक्षण हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कार्यकर्ता निर्माण हम करते हैं, ताकि वो पार्टी की लाइन में और देश की दिशा में सही ढंग से काम कर सकें। वक्त आ गया है चुनाव का धीरे धीरे, तो क्या ये माना जाए कि चुनावी आहट में पार्टी के कार्यकर्ताओं की कसावट को लेकर भी कुछ काम हो रहा? निश्चित रूप से, क्योंकि हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो 365 दिन काम करती है। साल भर में हमारी लगातार गतिविधि होती है और हर दिन हमारे लिए एक पार्टी के लिए समर्पण का दिन होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की प्रक्रिया और सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आज मन की बात को बूथ स्तर पर सुना जा रहा है। एक समय ऐसा होता था संगठन में, जब जिले में कार्यक्रम हो जाता था तो लोग कहते थे पार्टी का कार्यक्रम हो गया। फिर उसके बाद समय आया कि मंडल पे कार्यक्रम हो जाता था तो हो जाता था। लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ लोगों की पार्टी बन चुकी, देश की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। और निरंतर संवाद, निरंतर प्रशिक्षण और निरंतर कार्यक्रम ये हमारी प्रक्रिया है। तो चुनाव के लिए तो हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। चुनाव हमारा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा जन जागरण का है, वो हमारा निरंतर चलता रहता है। चुनाव की बात ही हो रही है, हालांकि पार्टी आपकी हमेशा जन जागरण ही करती रहती है। विंध ने पिछले बार आपकी पार्टी को अपार समर्थन दिया था, अब इस चुनाव में आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वही समर्थन, कुछ कमी? विंध ने आज मध्य प्रदेश की अगर सरकार है तो विंध का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। विंध की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्यार दिया है। हमारे 8 के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज से कुछ समय पहले यहाँ सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे लोगों का बोलवाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से काम किया है, हर जगह पर काम किया है। और साथ में सांसद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी हितग्राही आधारित काम करती है, एक एक व्यक्ति के विकास का काम करती है और अधोसंरचना का भी काम करती है। इन कामों को लेकर जब हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं लगातार, क्योंकि पार्टी कार्यक्रम अनवरत चल रहे हैं, पार्टी के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, प्रतिदिन कार्यक्रम चल रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारा सीधा जुड़ाव जनता से है, हितग्राहियों से, एक एक व्यक्ति से है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बड़ी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। संगठन मजबूती से काम कर रहा है और आने वाले समय में और हम इसको पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि मैं जिला प्रभारी हूँ यहाँ का, कटनी का महापौर रहा हूँ, तो मुझे लगातार पार्टी से जो जिस प्रदेश से मिलते हैं उनके आधार पर यहाँ पर एक एक कार्यक्रम होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये थे हमारे साथ कटनी के पूर्व महापौर शशांक जी, जिनका साफ तौर से कहना था विंध ने हमें पिछली बार अपार समर्थन दिया था, विंध की वजह से ही हमारी पार्टी की सरकार है, इस बार उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की हम कोशिश करेंगे। अब हमारी नजर निकट भविष्य में राजनीतिक गतिविधियों पर तो रहेगी, खास तौर से आपने जो कहा उस पर भी रहेगी। जो ताजे अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।